आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज 75 डेज हार्ट चैलेंज का 21वां दिन है और अब मैं आ गई हूँ अपने टेरिस पर एक्सरसाइज करने। तो अभी मैं जब आई हूँ तो मौसम कुछ खास अच्छा तो आज नहीं है, हवा चल रही है बहुत, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए मैं अभी आ गई हूँ टेरिस पर। और देखिए अब थोड़ा सा मेरे फूलों को भी आप देखिए, तो मेरे फूल तो काफी अच्छे खिल रहे हैं। और एक नई बात आप देखिए कि जो पॉट है इसमें कुछ सरसों के भी पौधे उगाए हैं। तो पहले तो मैं इसे इसमें से हटा देना चाहती थी, लेकिन इसके पीले पीले जो फूल है वो काफी आकर्षक लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इसे हटाया नहीं है। इसे मैंने सोचा है कि अभी रहने देती हूँ। तो अब मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मेरा आउटडोर वर्कआउट है। तो उसको करने के पहले सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करती हूँ। तो वार्म अप करने के लिए जो एक्सरसाइज अभी मैं कर रही हूँ वो आप कर सकते हैं। आर्म को फ्री करने के लिए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और ये आर्म्स के मूवमेंट में काफी बेनिफिशियल होता है। अगर आपको अपने जो कमर है उसमें अगर कोई हल्का सा भी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अपने कमर को स्ट्रांग बनाने के लिए आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं जो आपको काफी आराम देगा। अपने कमर को और अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। अभी जो मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ ये जो है थाई के फैट को कम करता है। थोड़ा मुश्किल है हम लोग के एज वाले वुमेन के लिए, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे इसको आप कर सकते हैं। पहले एक दो बार करें, फिर 5 बार, फिर 10 बार, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अभी जो मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ इसमें आपको हैंड को इस तरह से रखना है और नीच जो है ऊपर तक आप हैंड में टच कराएंगे। हो सकता है कि शुरू में आपके जो हैंड है वो नीच जो है हैंड को टच ना करे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये होने लगेगा। अभी जो मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ ये बचपन में भी हम लोगों ने काफी किया है। स्ट्रिंग से आप, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं है तो आप इमेजिनरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज अभी करने जा रही हूँ उसमें पहले आपको दोनों पैर को इस तरह से फैलाना है। फैलाने के बाद जो आर्म्स है इसको आपको इस पोजीशन में रखना है और आपको बेंड होना है और अल्टरनेट टो टचिंग करना है। बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस, तो मैंने टोपी और मफलर लगा लिया है। और अब देखिए आप मेरे पाइप का हाल क्या हुआ है, सब टुकड़ी टुकड़ी टूट गए हैं। हर विंटर में यही हाल होता है। और मैंने ढेर सारे देखिए कनेक्टर लगा रखे, पिछले विंटर में भी बहुत सारा पाइप जो है बहुत जगह से टूट गया था, तो इस बार भी मैं ढेर सारे कनेक्टर लाई हूँ और लगाकर उसी से अपना काम करूंगी। मैं दिखा रही हूँ आपके अपने गार्डन में, ये देखिए यहाँ पाइप फट गया है और ये एकदम फव्वारा का लुक दे रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं इसको। गाइज अब मैं अपना इवनिंग वर्कआउट करने जा रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ। इस तरह से मैंने अपना इवनिंग वर्कआउट फिनिश किया और अब मैं पढ़ रही हूँ गीता। और गीता में मैंने आज पढ़ा निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति जनादन पाप में श्रेय दे सम्मान हत्य चैतान ताप्ताइनी। और अब मैं अपना पानी जो है दिन भर में जो 4 लीटर पीना है तो मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ, तो अब मैं पीने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी।
इस तरह पानी पीकर मैंने अपना चैलेंज आज का कंप्लीट किया। और ये रही मेरी आज की सेल्फी। तो गाइस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए ताकि मैं अपने चैलेंज को आपके उत्साह के साथ कंप्लीट कर सकूं। बाय।